नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं घातांक और कड़ी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जीरो से हाई लेवल तक एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। जिन लोगों को घातांक और कड़ी पर कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, वो इस वीडियो को देखे पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको घातांक और कड़ी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते ही स्टार्ट करते हैं घातांक के बारे में। पहले दोस्तों देखिए, घातांक है क्या दोस्तों? ये दोनों घातांक और करणी दोस्तों एक तरीके से दोनों ही दूसरे के रिलेटेड है। जो ये घातांक और करणी होता है दोस्तों, ये दोनों ही दूसरे से रिलेशन संबंध होता है। लेकिन किस तरीके संबंध होता है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले हम घातांक के बारे में चर्चा करें। घातांक है क्या दोस्तों? जैसे कि अगर किसी संख्या पे दो पे घात है चार, दो पे पावर चार है तो दो पे घात, तो अच्छा दो पे घातांक कितना है? दो पर घातांक कितना है? तो दो पर घातांक चार। तो यही पूछते हैं दोस्तों कि दो पर घातांक कितना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घातांक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब ये होता क्या है, अगर किसी संख्या पे घातांक लग जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कि अगर किसी संख्या पर, जैसे कि मान लीजिए दो पे घात चार था, तो इसकी मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा तो आता ही होगा, तो दो गुणे यहां पे घात चार है तो चार बार करिए, गुणे दो गुणे दो गुणे दो। अब इसे करिए, दो दुनी चार होगा, चार आ गया, चार दुनी आठ हो गया, आठ दुनी सोलह, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? सोलह। एकदम सिंपल वे से चलेंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे अगर तीन पे घात चार है तो कितना होगा? सेम वही प्रोसेस। या तीन पे घात तीन है मान लीजिए, तो तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन, तीन बार गुणा करेंगे, तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, तो इसकी वैल्यू कितना है? सत्ताईस। जैसे ग्यारह पे घात तीन है तो ग्यारह गुणे ग्यारह, ग्यारह गुणे ग्यारह, तो ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस, एक सौ इक्कीस इक्कीस, तो आपको हो जाएगा 1331। तो इतना हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ गुणा आपको आना चाहिए। जैसे अभी 10 पे घात है पांच दे दिया, तो इसका मतलब कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो बराबर कितना है? एक, एक दो तीन चार पांच, तो पांच जीरो लगा दिया डायरेक्ट, खत्म। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि घात के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब तो हम पहले घात को सिंपल से दिखे, अब इसी फॉर्म को मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कोई क्वेश्चन हो, जैसे तीन गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, तो ऐसे दिया है, तो इसको घात के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे छोटी संख्या दो पे एक दो तीन चार, तो घात है चार हो जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद तीन लीजिए गुड़े एक दो तीन, तो तीन पे घाते दो। फिर उसके बाद पांच है तो गुड़े पांच पे घाते तीन। तो पूछ रहा सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात किसकी है, मतलब कि सबसे बड़ी घात बताइए, सबसे बड़ी घात किस पे? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात चार है दोस्तों, तो दो पे घात चार। या तो पूछ ले सकते हैं कि ऐसे सवाल देखा तो सबसे बड़ी घात बताइए, तो आपको समझ में आ रहा हो कि इस ऐसे पे क्वेश्चन दिया तो इस फॉर्म में बदल लेंगे। और अगर घात सबसे पूछा गया तो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कितनी होगी दोस्तों? सबसे छोटी घात घात दो। देखिए बेसिक से समझेंगे दोस्तों तो इस पे निश्चित ही एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जैसे जैसे हम लेवल हाई जाते रहेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, घातांक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ फार्मूले हैं दोस्तों, क्या है फार्मूले? देखिए फार्मूले क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमने ए पे पावर एम इनटू ए पे पावर एन है, पहला फार्मूला नोट करते भी रहिएगा, राइट डाउन करते रहिए, मतलब लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए। पहला फार्मूला है, देखिए ये हमारा आधार होता है, ये सेम है आधार, अगर सेम है ये हमारा आधार, अगर सेम है देख रहे हैं यहां पे, यहां भी ए है यहां भी ए, तो इसको हम लिख सकते ए पे पावर एम प्लस एन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इन्होंने किया। जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, दो पे घाते पांच है गुणे दो पे घाते सात है, तो
तो इसका आंसर बताइए, तुरंत बताएंगे, 2 पे घाते 7 5 12, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों, एकदम सिंपल। जैसे कि 3 पे घाते 4 है और गुणे दे दिए, 5 पे घाते 2 है, तो ये मत कहिए कि अब जोड़ने लगे दोनों, ये आपको ध्यान में रखना, जैसे जो यहां पे आधार हो और वही सेम यहां पे हो, तो ये दोनों घात भात जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फॉर्मूले समझ में आ गया तो दूसरे फॉर्मूले चलते हैं। फॉर्मूला समझना जरूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हाई लेवल तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा फॉर्मूला है जैसे ए पे पावर एम और ए पे पावर एम, ठीक है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, या तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर एम डिवाइड का निशान ए पे पावर एम, तो इसके बराबर कितना होता है, ए पे पावर एम माइनस एन, एम माइनस एन। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे कि आप इसको नोट करिए, जैसे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 2 पे पावर या हम ले लेते हैं 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 5, तो आपको क्या करना है, 5 पे पावर 7 माइनस 5 बराबर आएगा 5 पे पावर 2, तो बराबर हो जाएगा 5 में 25, तो आंसर आपका हो गया एकदम सिंपल वे में हो जाएगा आंसर, नोट करते रहिए। तो इसी में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है इसका, ये सब बेसिक फार्मूले दोस्तों जो आपको मतलब कि जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, तीसरा, जैसे ए पे पावर यम है और इंटू एन, तो बराबर कितना होगा, तो ए पे पावर यम इंटू एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा यम। जैसे हमारा अगर 5 पे पावर 2 है और 3 है, तो 5 × 3 × 6 तो गुणा हो जाएगा 5 पे घाते 6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे 2 पे पावर 2 करके 2 दे दिया, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 इसमें गुणा हो जाएगा, पावर पावर में क्या जाता है, जैसे एम एन हुआ तो गुणा हो जाएगा 4 और कितना आंसर हो जाएगा 16, 2 × 2 = 4 × 8 = 16, तो ये बहुत ही सिंपल है। तीसरा बहुत ही कम है, जो बेसिक है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सारे जो फार्मूले एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन देंगे, आपको इस फार्मूले को याद रहेगा तो आप क्वेश्चन लगाने में भी बहुत ही सिंपल होगा। तो आगे बस ये 3 इसमें है। अब आते हैं रूट के बारे में, जैसे करड़ी, करड़ी के बारे में भी देख लेते हैं। अब करड़ी के बारे में क्या देखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये देखिए बेसिक है करड़ी, करड़ी में जैसे कि 2 है, तो अगर करड़ी जैसे इसे इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों, करड़ी में अगर कोई संख्या लिखी रहती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, करड़ी की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या पे अब अगर कोई घात है, जैसे कि ये देखिए यहां पे अगर कोई संख्या नहीं है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2, अर्थात फार्मूला है अगर अंडर रूट ये है ए, अगर जैसे यहां पे एन दिया है, अगर कुछ नहीं दिया तो 2 मानते हैं, जैसे यहां पे क्या हो जाएगा ए पे पावर 1/n, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, क्लियर नोट करते रहिए। तो अगर जैसे कि आप इसी संख्या पे दे दिए, जैसे कि अंडर रूट दे दिया 4 पे घाते, ये ऐसे ऐसे देकर बीच में देगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 पे 1/5। ये क्यों हम लिख रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही दूसरे से रिलेशन है, करड़ी और घातांक, घातांक और करड़ी है। दूसरा क्या है, पहला आपने देखा, दूसरा क्या है फार्मूला, जैसे कि अगर किसी संख्या पे लिखा है, जैसे यहां पे ए है, यम है, मान लेते यम है, और ऐसे बी है यन, तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए पावर अपॉन बी, क्या हो जाएगा यन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से लिख लोगे, ठीक है। दोनों का अगर घात सेम है, दोनों का देख रहे हैं घात, मतलब जो करड़ी है वो सेम है, करड़ी का घात, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन हो रहे, जैसे कि ये मान लीजिए इस पे घाते 2 था और 5 है, और इस पे घाते मान लीजिए ये 7 है और यहां पर भी घात 2 है, तो 2 को घात दिखाते नहीं दोस्तों, 2 को घात दिखाते नहीं, जब भी दिखाएंगे 3 होगा, अगर कोई भी घात नहीं तो यहां पे 2 माना जाता है, यहां हमेशा क्या माना जाता है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/7, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा आता है
अंडर रूट जैसे ए है मान लेते हैं हम इनटू एन ए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम इनटू एन ए, ठीक है इस फॉर्म में आसानी से लिख लेंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं रहे, आसानी से ये हो सकता है। ये नोट करते रहिए फार्मूले जो बेसिक चीजें हैं। अब ये चौथा लास्ट है, जैसे कि कोई खाद दिया है अगर ऐसे ए है और यहाँ पे एन है, ठीक है, और पावर पे दे दिए एम, तो ये पावर जो इसके अंदर आ जाएगा जैसे ये ए है तो एन पे हो जाएगा एम, ठीक आसानी से ये आपका हो जाएगा। ठीक आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन क्यों बताया। अब देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया खाते एक और घातांक में, देखिए ए पे घात जो जीरो है, तो अगर किसी पे घात पे जीरो मतलब कोई भी संख्या इसकी वैल्यू वन आती है, अर्थात दस पे घात जीरो तो कितना वैल्यू होता है वन, जैसे कि अगर दे पांच पे घात जीरो तो वन होगा। जैसे कि क्वेश्चन है अगर मान लीजिए कभी भी पूछ लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा तो हम कुछ क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है आगे चल रहे हैं। देखिए ए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, जैसे कि हम ले लेते हैं जैसे सात पे घाते छे और सात पे घाते छे, तो इसकी वैल्यू बताइए। अब ये आप डायरेक्ट काटेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई दे दिया जैसे कि मान लीजिए आप तो ऐसे कर डायरेक्ट काटने की वन आ रहा कि अगर आपको घात पे दे दिया कि जैसे कि ए पे घात एम माइनस एम, तो आपकी वैल्यू कितनी है, ए पे पावर जीरो आएगी तो उसका वन हो जाएगा। जैसे कि फाइव पावर थ्री माइनस थ्री है, थ्री माइनस थ्री जैसे कि ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे फाइव पावर थ्री इंटू फाइव पावर माइनस थ्री, तो इसी को सॉल्व करना तो आप लिखेंगे फाइव पावर थ्री तो ऐड होता है तो ऐड गुणे में ऐड होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड होगा प्लस और यहाँ पे माइनस थ्री, ऐड होने का सिस्टम, तो ये माइनस इस प्लस में गुणा करेगा तो आ जाएगा थ्री पे माइनस थ्री, तो आएगा फाइव पे पावर जीरो, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी होगी वन। तो आसानी से आप देख सकते हैं किसी भी पावर अगर किसी संख्या में पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है वन। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको घातांक और कड़ी में जानना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पे दें कि जैसे अगर दिया है कि एक्स का मान जैसे कि दो, जैसे कि यहां पे दिया है 16 बराबर दो पे पावर एक्स है, तो पूछ लेगा जैसे कि या तो दे ऐसे दो पे पावर एक्स बराबर 16 है तो एक्स का मान बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे अब ये है देखिए दो पे पावर एक्स बराबर, तो इसको भी दो पे घाते में बदलिए, अगर आपको नहीं आता तो आप 16 को जैसे कि एलसीएम लेने आता होगा दो से काटिए तो यहां पर हो जाएगा 8, फिर दो से काटेंगे 4, फिर दो से काटेंगे 2, फिर यहां पे दो से काटेंगे 1, एक जब तक नहीं तब तक काट, जैसे 1 2 3 मतलब 1 2 3 4, तो दो पे घाते कितना हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, सिंपल वे है, सिंपल से आप आंसर बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, आपको आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए दिया है 81 3, ठीक है जैसे 81 पावर 3 या तो इस पे घात दे दिया 4 और 27 3 का मान बताइए, कह रहा है का या सरल रूप बताइए, सरलतम रूप मतलब एकदम सरल रूप तम रूप होगा। अगर इस टाइप सवाल है तो आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको तुरंत 81 पे हमने बताया कि घात हो जाएगा 1/4 और उसी तरह 27 पे हो जाएगा 1/3, तुरंत ऐसे बदलिए। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप लेते हैं 81 पे, हम देखिए 81 हमने बताया 3 3 9 3 27 3 81, तो 3 पे पावर 4 इंटू यह हमने बताया गुणा होता है 1/4 ऐसे हो जाएगा, फिर 3 पे पावर 3 इंटू 1/3 क्योंकि ये गुणा होता है, हमने बताया था गुणा होता है, तो ये 3 3 से कैंसिल 4 4 से कैंसिल,
तो क्या हो जाएगा, 3/3, 3 3 से कैंसिल आएंगे तो इसका संक्षिप्त रूप सरलता गुण 1 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो पूछ लेता है इसका मान बताइए, तो ये सिंपल वे है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा इसको, फिर से आपको ड्राइव कर रहे हैं। देखिए सिंपल से अगर जिसको नहीं आता, जैसे कि यहां पे दिया 125, अगर दिया यहां पे 3, दो नहीं देगा, कभी भी दो नहीं दे सकता। दो हम मान लेते जैसे कि, तो इसको लिख सकते हैं 125 पे पावर 1/3, हमेशा 1/3 अभी हमने बताया था। तो इसको हम लिखेंगे तो 5 पे घाते कितना होता है 3, 5 में 25, 5 5 25 25 बच्चे 125, तो ऐसे लिख के इंटू 1/3 लिखेंगे, तो 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा आंसर। ठीक, देख नहीं रहे दोनों में रिलेशन है घात और कड़ी में, क्योंकि अगर आपको घातांक और कड़ी दोनों आएंगे तभी तो क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है इसी पे आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 16 ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि हमने बताया 16 पे अगर कुछ नहीं है तो 1/2 लिखेंगे। अब सोच रहे हैं 16 दो चौक 8, अब ये सोच रहे हैं कि 2 2 4 2 8, अगर बहुत लोग सोच रहे हैं 2 पे पावर 4 कर दे इंटू 1/2, तो इसको काटेंगे तो आएगा 2/2 2 पे पावर 2 बच जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो और शॉर्ट कट करना है तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, तो 4 पे घाते 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 4 पे इंटू 2 और 1/2 से गुणा होगा तो कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक, सिंपल से कैंसिल होगा, थोड़ा सा गुणा भाग आएगा तो आपको बेसिकली आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रिक थे आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हमने बताया। अब हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा और की कोशिश करना पड़े, इस सारे इतने जितने भी हम टाइप के क्वेश्चन बताए उसको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको आएगा, जैसे कि हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे दे रहे हैं, आप क्वेश्चन करके और कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे प्रैक्टिस, जैसे कि 7 से पावर 5 भागे 7 से पावर 8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, पहला दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, अंडर रूट 8/√, जैसे कि यहां पे 8 है तो मान लेते हैं यहां पे 3 कर दिया हमने और यहां पे 9, तो इसकी वैल्यू बताइए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, कब मान कितना होगा आप बताइएगा, सोच के कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिनको बदलने आ गया होगा, एकदम सिंपल वे से हमने समझाया, अगर नहीं समझा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप निकालिएगा कि वैल्यू कितना होगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।